मियाँ मेरा मजदूर है, मजदूर भी है, मजदूरी करता है। मजदूर भी है और मजदूरी करता है। मजदूरी करता है, क्या करें, पेट भरना होता है। एक टाइम खाते हैं, दूसरे की उम्मीद नहीं होती। आपने लास्ट टाइम जो है वो गोश्त कब बनाया आपने? बकरीद पे। दिल चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, खाना अच्छा खाएं, अच्छा पाएं। हमारा कोई जरिया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती और आप देख रहे हैं सेवन पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं मुल्तान में। नाज़रीन, एक फैमिली इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन, जो कि इंतहाई तंगदस्ती का शिकार है, इंतहाई जो है वो मदद के मुंतज़िर है। नाज़रीन, इंतहाई वो मुश्किलात का सामना है उनको, उनसे हम जानते हैं किस तरह के हालात से वो ज़िंदगी गुजार। आंटी बताइएगा कि किस तरह से आप जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे हालात हैं, क्या करते हैं? मियाँ, बहुत हालात ख़राब हैं। मियाँ मेरा मजदूर है, मजदूर भी है, मजदूर भी है और मजदूरी करता है, क्या करें, पेट भरना होता है। अच्छा, क्या मजदूरी है उनको? वो टांग है उनके कमजोर। अच्छा, है सही चल नहीं सकते? नहीं चल सकता वो, तो उसके बावजूद भी वो मजदूरी करते हैं, क्या करें, कोई जरिया नहीं हमारा। अच्छा, पांच बेटी तो, हैं, एक बेटा है। अच्छा, बेटा एक बेटा जी, बेटा मेरा क्या करता है आपका? वो काम सीखता है, चकले बेलनो का, लकड़ी का काम सीखता है। अच्छा, लकड़ी का काम वो सीखता है अभी सीखता है वो काम। आप भी कोई काम वगैरह करती हैं? मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, एक माँ के 2000 देते हैं। अच्छा, लोगों के घरों में काम सफाई वगैरह करके तो आपको एक महीने का 2000 देते हैं? जी हाँ जी। तो 2000 में क्या गुजारा करते हैं आप, किस तरह से गुजारा करते हैं? हमारा मकान भी रेंट का है। 35 भी रेंट का है आपका? मकान रेंट का है और 5-6 हज़ार। तो कितना किराया आप देते हैं रेंट का? 35 हमारा रेंट का किराया होता है। अच्छा, 4-5 हज़ार में बिजली का बिल आ जाता है, कुल मिला के हमारा 7-8 हज़ार हमारा बनता है। तो आंटी जी बताइएगा, आप लोगों के घरों में जो काम करती हैं वो तनख्वाह के अलावा भी कोई तामुन करते हैं? नहीं करते, कोई तामुन नहीं करते, अपना अपना पेट भर जाए उनका वो ही बहुत है। अच्छा, तो रिश्तेदार जो है वो भी नहीं? कोई बच्चा थोड़ा सा दिया, दिया ना, दिया ना सही, उनकी कोई वो नहीं है। अभी देखें कि आप बता रहे हैं कि बेटियों के जो फर्ज अदा करने हैं, तो इसके लिए जाहिर सी बात है बहुत बड़ी रकम होनी चाहिए इसके लिए, तो कैसे फिर ये फर्ज अदा करेंगे आप? जो अल्लाह का मंजूर होगा कर लेंगे, कोई मसला है हमारी कोई इमदाद करो, आप मेहरबानी करो, हम बहुत गरीब हैं, मजबूर हैं, मजदूर है मेरा मियाँ, मजदूरी करता है, मजदूरी के बाद भी जी। आप मेहरबानी करो। तो ये देखें कि जब आप लोगों के घरों में काम करती हैं, खाना बनाती हैं, अमीर लोग जाहिर सी बात है अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा खाना आप बनाती हैं उनके लिए, तो क्या सोच दिल करता है? हमारा भी दिल चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, खाना अच्छा खाएँ, अच्छा पाएँ। हमारा कोई जरिया नहीं है अपने बच्चों को वैसे प्यार के साथ बिला ब्लू के रख लेते हैं, एक टाइम खाते हैं, दूसरे की उम्मीद नहीं होती। आखिरी टाइम आपने लास्ट टाइम जो है वो गोश्त कब बनाया आपने? बकरीद पे। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, बकरा ईद को गुजरे हुए तकरीबन 4 से 5 माह हो गए हैं और 4 से 5 माह से इनके घर जो है वो गोश्त नहीं बना अभी तक, तो इस तरह के हालात हैं कि आप गोश्त भी नहीं खरीद सके? नहीं खरीद। 4-5 माह में सब्जी 150-200 से कम नहीं आती, 100-120 रुपए की, 150 रुपए की सब्जी होती है, चटनी मिर्चा बच्चों को रोटी बना के दे देते हैं, नमक मिर्चे लगाते हैं, रोटी खा लेते हैं बच्चे। क्या हालात आ गए, किसी रिश्तेदार के घर साले लेने के ले जाएं, कहेंगे इनका तो रोज का ही काम होता है, हम किसी घर शर्म से ये सालन भी नहीं लेने जाते, किसी से नहीं इमदाद कहते भी हमारी कोई मदद करो। आपके आगे गुजारिश है, अब तो जो आपके मियाँ फिर वो कमाते हैं रोजाना का 300-400, उससे फिर एक दिन का हो जाता है गुजारा आपका? एक किलो आटा लाते हैं एक टाइम का। अच्छा, बच्ची के 100 का 50 का दूध आ जाता है, दो टाइम का, बच्ची को तो देना जरूरी है, हो या ना हो वो बच्ची तो दूध पीती है जी। हमारी मजबूरी है, इसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, इसमें हमने रेंट भी निकालना होता है, बिजली का बिल भी करना होता है, बच्चों को दुख का तकलीफ का हर चीज़ हम इसी से करते हैं, हमारी मजबूरी है जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी माँ जी की, उन्होंने बताया कि देखें किस तरह से उनके हालात हैं, कि ऐसा वक्त भी आ जाता है कि एक टाइम खाना खाते हैं, दूसरे टाइम का खाना खाने की उम्मीद नहीं रखते कि हम दूसरे टाइम का खाना खा सकेंगे या नहीं खा सकेंगे। तो लास्ट टाइम देखें कि उनके अल्फाज हैं कि लास्ट टाइम इन्होंने गोश्त जब खाया था तो बकरा ईद पर खाया था, उसके बाद इनके घर गोश्त का जो सालन नहीं तैयार हुआ, हालाँकि वो आए रोज़ जिनके घर काम करती हैं वो बनाती हैं वहाँ पर, लेकिन देखें कि जो दूसरों के लिए बनाएंगे तो उसका दिल नहीं करेगा कि हमारे बच्चे भी जो हैं, एक गरीब का दिल नहीं करेगा कि हमारे बच्चे भी अच्छा खाएं, हमारे बच्चे भी जो है वो गोश्त खाएं, कुछ अच्छा खाना खाएं, हमारे बच्चे भी जो है वो बर्गर पिज़्ज़ा खाएं, हमारे बच्चे भी जो है वो अच्छा पहने, हमारे बच्चे भी जो है वो तालीम हासिल करें, हमारे बच्चे भी जो माशरे में जो है वो चलने वाले बने। नाज़रीन,
इस तरह के मामला आ चुके हैं कि गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है और अमीर जो है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। नाज़रीन, अगर अमीर लोग जो हैं वो जिनके पास एक दिन की इनकम जो है वो 5 से 10 लाख होती है, एक अगर इससे कम भी अगर बात करें तो 1 लाख भी अगर एक दिन की जिसकी इनकम है, तो वो उनमें से अगर चंद हज़ार भी इनको दे दें तो इनकी जो है वो एक माह की जो है वो ज़िंदगी जो है वो बेहतर गुजर सकती है। ताकि जो उम्मीद रखते हैं कि दूसरे टाइम का खाना हम खाएंगे या नहीं खाएंगे, ताकि वो ये उम्मीद जो है वो उनकी ख़त्म हो जाएगी कि हम दूसरे टाइम का अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाएंगे। तो बच्ची उनकी 1.5 साल की है जिनको जिसको दूध जो है वो बहुत ज़रूरी है कि बच्ची हम कुछ खाएं ना खाएं लेकिन बच्ची को दूध देना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आप लोगों के पास आने की एक ही वजह थी कि इनके जो हालात हैं वो दुरुस्त हो जाएं, ताकि आप लोगों की मदद से जो है वो इनके दुरुस्त हो जाएं हालात। आप लोगों से गुजारिश है कि स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पर कॉल करके इनकी भरपूर मदद करें, इनका तआवुन जो है वो ज़रूरी है, इनके साथ तआवुन करें, इनके साथ जिस तरह से भी तआवुन करना चाहते हैं, कैश की सूरत में या कोई सामान की सूरत में, जो भी है इनकी बेटियां जो है वो जाहिर सी बात है फ़र्ज़ अदा करना है, उनको अगर जहेज़ की सूरत में भी तआवुन कर सकते हैं तो वो भी करें। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और वो भी इस तआवुन में जो है वो शामिल हो सके। इसी के साथ शकील चिश्ती को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 7 पाकिस्तान।